न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड 19 की इस वक्त क्या स्थिति है हमारे देश में, और कि अनलॉकडाउन 1 या लॉकडाउन 5 की जो फेज शुरू होने हो चुकी है उस पे हमारा क्या हालत हो सकता है। इसको अगर हम देखें, पहले नजर डालते हैं हमारे इस वक्त कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसकी रफ्तार क्या है, और पिछले चंद दिनों में 2 हफ्ता 4 हफ्ता इस पे क्या कोई परिवर्तन हुआ है, लॉकडाउन का असर क्या पड़ा है, और लॉकडाउन अगर लिफ्ट होता है तो क्या इस पे तेजी आ सकती है। तो पहली बात है कि अभी हम 2 लाख के लगभग पहुंच चुके हैं आज के तारीख पे, और हमारे नए केसेस जो है पिछले दिन पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये काफी आंकड़े काफी हाई है, काफी ज्यादा है, और इसमें अगर हम देखें कि क्या दूसरे देशों के मुताबिक हमारी रफ्तार क्या है, वो अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि हमारा रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा है उन देशों के मुताबिक, कम नहीं है। पहली बात तो एक इस पे नजर डालते हैं कि हमारी डबलिंग रेट क्या है। जैसे अभी हमारा 1 लाख करीब 2 लाख के लगभग हमने कहा है, तो इसको अगर हम देखें तो 14 दिन पहले करीब ये 1 लाख था, 14 दिन 13 दिन पहले 1 लाख था। इसका मतलब हमारा डबलिंग रेट 13 से 14 दिन तक दिन है, ये काफी हाई है। अगर हम दूसरे देशों को देखें नजर डाले, जैसे अमेरिका है, हालांकि अमेरिका करीब 18 लाख पहुंच चुका है, पर देखेंगे उनकी डबलिंग रेट काफी अभी ज्यादा है, तो मतलब उसकी रफ्तार, नए इन्फेक्शंस की रफ्तार घट चुकी है। और अगर देखें इटली, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, इन देशों को देखें तो इनका कर्व ग्राफ जिसे कभी काफी फ्लैट है, हम पहली चर्चा कर चुके, एक लॉग है, स्केल है, तो ये जो वाई स्केल है, लॉग स्केल है, इसपे जो ज्यादा कम होते हैं वो उतना शार्पली दिखता नहीं है, क्योंकि नहीं तो 1,000, ये देखिए 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस रफ्तार से हम यहाँ दिखाते हैं, तो बड़े फिगर्स और छोटे फिगर्स में इतना फर्क नजर नहीं आता ग्राफ में। इससे हमारा एक फायदा होता है कि जो बड़े परिवर्तन है तो उसमें आंख डालना आसान रहता है, और जो ट्रेंड्स यहाँ पर है अगर वो स्ट्रेट लाइन होते हैं तो हमें कैलकुलेट करना आसान होता है कि कितने डबलिंग रेट क्या है, और इस डबलिंग रेट से हम कहाँ पहुंचेंगे अगले 2 हफ्ते। अगले 2 हफ्ते से ज्यादा इसका सोचना बहुत सही नहीं होगा कि 2 हफ्ते में पैंडेमिक जो एपिडेमिक की रफ्तार चेंज हो सकती है। पर अगर हमारे देश के ऊपर एक नजर डालें, ग्राफ के ऊपर नजर डालें, देखेंगे करीब करीब पिछले 30-40 दिन हमारा रफ्तार, बढ़ने की रफ्तार, डबलिंग रेट करीब करीब बरकरार है 12 से 14 दिन के बीच में। इसका मतलब है कि हमारा लॉकडाउन के बावजूद हमारे इन्फेक्शन पे हम काबू नहीं पाए हैं, और इसका वजह यह है कि सिर्फ लॉकडाउन से इन्फेक्शन पे काबू पाना संभव नहीं है, उसके साथ साथ और भी कदम लेनी पड़ती है, और वो कदम अगर हम नहीं लेंगे तो हम सचमुच इतने इन्फेक्शन पे इस तरह से काबू नहीं कर पाएंगे। ब्राजील की रफ्तार अगर देखें, वहां पर लॉकडाउन में नहीं है तो उनका संख्या हमसे काफी आगे है। ब्राजील इतने पॉपुलस देश नहीं है जो हम हैं, हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है, पर उनका ग्राफ भी करीब करीब स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, और उनका भी डबलिंग रेट करीब 13 से 14 दिन है। इसका मतलब दोनों मुल्क इस वक्त एक ही रास्ते पे हैं, एक ही रफ्तार से बढ़ रही है, और हमारे लिए अच्छा ये नहीं है, इसलिए क्योंकि हम लॉकडाउन से गुजर के अभी शिथिलता की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ पर संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। अगर हम दूसरे प्रांतों पर नजर डालें तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इस वक्त महाराष्ट्र में है, इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली, और इन सब जगहों पे रफ्तार करीब करीब वही है जो महाराष्ट्र की है, ये भी करीब 14 दिन में डबलिंग हो रहा है। राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात थोड़ी सी लगता है ग्राफ इस वक्त फ्लैट हुआ है, पर इन सब जगहों पे रफ्तार करीब करीब वही है। महाराष्ट्र में थोड़ी सी ग्राफ
फ्लैट होने की नजर देख सकते हैं आप चार्ट यहाँ पर जो है, पर बहुत ज्यादा फ्लैट इस वक्त नहीं है और एक दिन संख्या अगर बढ़ जाएगी तो ये ग्राफ उसी रफ्तार से फिर वापस आ सकती है जहां पर वो थी। तो इसमें साफ ये है कि हमारे इस वक्त अगर हम सोचें कि COVID-19 पे हम काबू पा लिए हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए और एक नजर डालते हैं इस बात पे कि टेस्टिंग जो है वो किस रफ्तार से हो रही है। इस वक्त हमारी टेस्टिंग करीब 1,28,000 टेस्ट हुई है पिछले 24 घंटे में, जिससे करीब कह सकते हैं 6-7% के बीच में लोग बीमार नजर आए। अगर हम एक महीने पहले की फिगर देखें, तब हम जब 1,00,000 की टेस्ट अगर करते थे उस पर करीब 3-4% लोग बीमार नजर आते थे। इसका मतलब टेस्टिंग टू इन्फेक्टेड की संख्या बढ़ रही है, लोग जो बीमार टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये संख्या दर्शाता है इस चीज को कि जितने टेस्ट हमें करने चाहिए उतना टेस्ट हम कर नहीं रहे हैं, और इसका मतलब कम से कम दुगुना रेट अगर नहीं होगा तो जो पहले स्थिति थी, एक महीना पहले जो स्थिति थी उससे हम बेहतर स्थिति, खराब स्थिति में इस वक्त पहुंच रहे हैं। टेस्टिंग कितना होना चाहिए? लोगों के कहने के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं, WHO के लोग भी हैं इसमें, उनका कहना जो है कि 3% से कम रेट तो होना ही चाहिए, और सही होगा कि 100 में से एक ही अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आए तब मालूम पड़ेगा कि आप काफी पैमाने पे अब टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे टेस्ट की संख्या कम से कम 5-10 गुना बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हम टेस्ट की रफ्तार बढ़ाएंगे बीमारी की रफ्तार भी बढ़ेगी। और इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि टेस्टिंग की रफ्तार ही सिर्फ बढ़ाना है, सिर्फ उनके बराबरी करना चाहे अगर, कि ऐसा नहीं कि जितने इन्फेक्टेड है तो टेस्ट रेशियो और खराब हो जाए, उसको अगर हमें रोकना है तो हमारा टेस्ट कम से कम डबलिंग उसको भी 14 दिन में होनी चाहिए। पर टेस्ट की डबलिंग 14 दिन में करेंगे तो 7% 6-7% ही निकलेगा। इसका मतलब जितने लोग आपके बीमार पड़ रहे हैं सही तरीके से अब उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए टेस्टिंग कम से कम इस वक्त 4 गुना रेट से रफ्तार से हमें बढ़ानी पड़ेगी। दुगुना रफ्तार से अगर बढ़ाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये तो मोटा मोटी टेस्टिंग की बात है। क्योंकि हम शिथिलता कर रहे हैं कुछ जगहों को छोड़ के जहां पर हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं, तो इसका मतलब वहां पर हमें टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, उनके आसपास टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, दूसरे नए नए क्लस्टर जहां निकलने की संभावना है उस पर हमें टेस्ट करने की जरूरत है। जो लोग इन्फेक्शन दूसरे जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन करते हैं कहते हैं उस तरह के जिनको सिम्टम्स है उनकी टेस्ट होनी चाहिए। तो ये चीजों अगर हम नहीं करेंगे तो हम इस पर काबू नहीं कर पाएंगे बीमारी पे। दूसरी बात हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमारा यहाँ पर संख्या 14 दिन में डबल होती है तो इसका मतलब है कि अस्पताल में प्रेशर इस वक्त जो है उसकी डबल प्रेशर होगी। क्या अस्पताल ये ले पाएंगे? अभी बहुत जगहों पे अस्पताल के बेड्स जो है COVID-19 बेड्स काफी भरे हुए हैं। बहुत जगहों पे भरे नहीं है, बहुत जगह पे भरे हुए हैं, और जहां पर भरे हुए हैं वहां पर ही बढ़ने की संभावना बीमारी की ज्यादा है। अभी इस वक्त करीब करीब 10 शहर ऐसे हैं जहां से आपके 70% COVID-19 केसेस भारतवर्ष में आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, थाने है, पुणे है, दिल्ली में आए दिल्ली पूरी शहर ही है आपके पास, इस वक्त मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन है, आपके गुजरात में अहमदाबाद है, गांधीनगर है। तो ये जो इस तरह के देखें, चेन्नई तमिलनाडु में चेन्नई है, अगर अब कलकत्ता देखें बंगाल में कलकत्ता है, तो इस तरह से करीब 10 शहरों में आपके 65-70% पूरे हमारे भारतवर्ष के जो आंकड़े हैं वहीं से आ रहे हैं। तो वहां पर अस्पतालों की क्या स्थिति है वो देखने की जरूरत है। और अगर डबल पेशेंट्स आने लगे जो संभावना है अगले 14 दिन में, तो अस्पतालों की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। इसीलिए सबसे तेजी से हमारी जरूरत है कि हम टेम्पररी अस्पताल सेटअप करें।
टेम्पररी अस्पताल जहाँ पर लोग ज्यादा बीमार जो नहीं है उनको वहां रख सकते हैं, उनको घर घर में रखने का कोई मतलब नहीं है। घर में रखने का मतलब है कि बीमारी का फोकस जो है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, अपने फैमिली को इन्फेक्ट करेंगे, फैमिली से दूसरे लोग इन्फेक्ट होंगे, तो ये इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन चलता रहेगा। उनको तुरंत ऐसे जगहों पर पहुंचाना चाहिए जहां पर उनपे हम निगाह रख सकते हैं, सहूलियत हो उनको रहने की, और अगर बिगड़ जाती है हालात तो जरूर हालत तो बहुत जल्दी उनको अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं। चीन में बड़े पैमाने पे उन्होंने जिम्स आपके जो एग्जीबिशन सेंटर्स है, आपके स्टेडियम्स है, इनको उन्होंने इस्तेमाल किया था इसके लिए। इसके ऊपर इस पर हमें भी नजर देना चाहिए ताकि बड़े पैमाने में पंचायत भवन है, शादी घर है हमारे यहाँ पर जो वेडिंग हॉल जिसे कहते हैं, तो इन जगहों पे लोगों की कैसे टेम्पररीली अस्पताल नुमा सहूलियत से रख सकते हैं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तीसरी बात, हमारी जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो बुनियादी जो क्या कहते हैं सपोर्ट सिस्टम है, उसको तेजी से बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो हम न कि लोगों को टेस्ट कर पाएंगे, न कि हम अस्पताल में लोगों को बचा पाएंगे। डेथ के बारे में कहा जा रहा है कि हमारा डेथ जो है तब हालत खराब नहीं है, क्योंकि 200,000 अगर बीमार है, 6,000 अगर मौत हुई है, तो इसका मतलब 3% डेथ रेट है। ये सही आंकड़े नहीं है। हमें डेथ रेट का मतलब ये है कि पूरे जब तक लोग ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक इन्फेक्शन टू डेथ रेट आप इस तरह से निकाल नहीं सकते। नहीं तो दूसरा फिगर भी आपके पास आपके सामने है कि जितने रिकवर किए हैं वो करीब 95,000 के लगभग है, 95,500 और सो, और इसमें करीब 5,600 हैव डाइड। तो उस आंकड़े को देखें तो ये लगेगा कि 6% लोग आपके डेथ रेट आपकी है। दोनों फिगर सही नहीं है। डेथ रेट तभी सही निकलता है जब सब ठीक हो जाते हैं, और उसकी इस वक्त गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हमारा डेथ रेट अगर देखें तो लग रहा है कि ये 3 से 3.5% के बीच में है, और इस तरह से उसको घटा के देखने में कोई फायदा नहीं है कि 1,00,000 में करीब हमारा डेथ रेट जो है अभी भी 3-4% के बीच में है। तो ये फिगर्स देखते हुए हमें अभी जो खतरा ये है कि अस्पताल सिस्टम को कैसे इससे बचा सकते हैं, कि एक बार अस्पताल में बहुत ज्यादा पेशेंट्स अगर आने लग गए तो तब वहां पर मौतें बहुत ज्यादा हो जाती है। इटली में हमने ही देखा था अस्पताल में मौत बहुत ज्यादा हुई थी, और इसीलिए कि अस्पताल सिस्टम करीब करीब वहां पर उस प्रेशर को झेल नहीं पाया। अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में हुआ है, दूसरे जगहों पे भी ये संभावना है, इसीलिए अस्पताल सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि जो माइग्रेंट्स के साथ सलूक किया जा रहा है इस वक्त भी, कि लोग वापस जा रहे हैं, उनके कुछ अभी हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है उन्होंने संगठन है उन्होंने कह चुके हैं कि हमारे कोई सोच समझ के इसको नहीं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कैसे चलाना है ये न सोच के सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के जरिए हम इस पैंडेमिक का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इस पर पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की लीडरशिप होनी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी दर्शाया है जब ये लॉकडाउन किया था उस वक्त अगर माइग्रेंट्स को आप जाने देते तो बहुत कम उस पर बीमारी फैलती, क्योंकि बीमारी तब बहुत कम ही फैला था हिंदुस्तान में। अब जब आप लोगों को जाने दे रहे हैं बड़े पैमाने पे, बिना उसको आप रोक नहीं पाएंगे, तो जिस भीड़ से लोग जा रहे हैं इन्फेक्शन बड़े तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैलेगी और गांव तक फैलेगी। ये इंतजाम हमने कर दिया है, इसलिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदारी है, क्योंकि ये पहले सोच समझ के करनी चाहिए थी, न कि सिर्फ एक घोषणा कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, इसके बाद 2-2.5 महीना उनका कोई सपोर्ट नहीं था, ना उनके पास खाने की सामान थी, ना कि इनके कोई पैसा था इनके हाथ में, तो मजबूर किया इनको आप शहर से जाने में। पर उसको जिस तरह से आपके इंतजामात होने चाहिए थे वो आपने किया नहीं। इसके हम तस्वीर जो देख चुके हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीर है बहुत सारे, पर उसको हम छोड़ भी अगर दें, सिर्फ
पब्लिक हेल्थ की निगाह से उसको आप देखें तो हमने भीड़ इकट्ठा किया, अभी भी कर रहे हैं, ट्रेन में भर भर के लोगों को भेज रहे हैं और बीमारी फैलने का पूरा इंतजाम हमने इसके जरिए कर दिया है। तो एक बहुत बड़ी व्यर्थता इसीलिए सरकार की रही, सरकार की रवैया पूरी तरह से पुलिस की निगाह से इसको देखना, लॉकडाउन को एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करना, सेक्शन 144 कर्फ्यू, इस ये बातें लगातार आई है, कर्फ्यू पास होनी चाहिए, पास होनी चाहिए आने जाने के लिए, एसेंशियल वर्कर्स कौन है, ये पूरी जो बातचीत रही है इस पे पब्लिक हेल्थ नजरिया अगर होता तो लोग कैसे इसको झेलेंगे इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए थी, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। सिर्फ कहा गया कि आप जो है देख लीजिए कैसे लोगों को सहूलियत आप दे सकते हैं, ये पूरा जनता पे छोड़ दिया गया और इसका हालात आपने देख हालत आपने देखा ही है कि किस तरह से माइग्रेशन की क्राइसिस हमने इसके जरिए ले आया हमारे ऊपर। तो ये पब्लिक हेल्थ के तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा ये है कि इससे बीमारी दूर दूर तक फैलेगी और शहर में कम से कम अस्पताल वगैरह है जहां पर आपके इंटेंसिव केयर यूनिट्स हो, आपके पास ऑक्सीजन सपोर्ट हो, ये सब आप दे सकते हैं। पर अगर ये दूर दूर तक फैला, गांव छोटे शहरों में छोटे कस्बों में अगर फैला तो वहां पर अस्पताल सिस्टम इसको झेल नहीं पाएगा, इसीलिए तब डेथ की संख्या मौत की संख्या बढ़ने की आशंका काफी है। तो अभी तक जो है हालत अच्छे नहीं है, रफ्तार बीमारी की बढ़ सकती है, अस्पताल सिस्टम कैसे झेलेगी बहुत साफ नहीं है तस्वीर, और सरकार इस पे अगर इस वक्त टेस्टिंग और अस्पताल सिस्टम पर निगाह नहीं डाला, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त, सिर्फ पब्लिक हेल्थ की बात कर रहा हूं, अगर इन पर नजर नहीं डाला तो हालत और भी बिगड़ सकती है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।